चुनावी मौसम में वैसे तो नेता विरोधियों पर जमकर बरसते हैं, लेकिन इस दौरान वो भाषा के स्तर को भी नीचे गिरा देते हैं। अब समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता आजम खान को ही देख लीजिए, जो अक्सर अपने बयानों से सुर्खियों में रहते हैं। वह उन्होंने कथित तौर पर जयाप्रदा को लेकर एक और विवादित बयान दिया है, जिससे सियासी पारा गर्मा गया है। इस पर विवाद बढ़ने के बाद अब आजम खान ने सफाई भी दी है। विवादित बयानों के लिए चर्चित आजम खान वैसे तो कई बार शब्दों की मर्यादा भूल बैठते हैं, लेकिन इस बार उन्होंने जो बयान दिया है उसने सब तार तार कर दिया। मैं 17 दिन में पहचान गया कि इनकी वो खाकी रंग का है। आजम खान का ये सबसे ताजा और शर्मसार करने वाला बयान है। कल तक जिस बॉलीवुड एक्ट्रेस जयाप्रदा को आजम खान अपनी बहन बताते थे, आज वही बहन आजम खान की सबसे बड़ी दुश्मन बन गई। बीजेपी ने जब से जयाप्रदा को रामपुर से उम्मीदवार बनाया है, तभी से आजम खान उन पर हमलावर है। मगर इस बार तो उन्होंने कथित तौर पर जयाप्रदा पर ऐसा वार किया कि सियासी पारा ही चढ़ गया। 10 बरस जिसने रामपुर वालों का खून पिया, लहू पिया, जिसकी उंगली पकड़कर हम रामपुर में लेकर आए, रामपुर की गलियां, रामपुर की सड़कों की पहचान कराई, किसी का कांधा नहीं लगने दिया उसके शरीर से, आप गवाही दोगे, कांधा नहीं लगने दिया, छूने नहीं दिया, गंदी बात नहीं करने दी। आपने 10 साल अपना प्रतिनिधित्व कराया, मगर आप में और मुझ में क्या फर्क है? शाहबाद वालों, रामपुर वालों, उत्तर प्रदेश वालों, हिंदुस्तान वालों, उसकी असलियत समझने में आपको 17 बरस लगे। मैं 17 दिन में पहचान गया कि इनके वो खाकी रंग का है। दरअसल आजम खान रामपुर में एक रैली को संबोधित कर रहे थे, सामने लोगों का जमावड़ा था। ऐसे में आजम खान इस कदर उत्साहित हो गए कि विवादित बयान ही दे बैठे। आजम की टिप्पणी किसके लिए थी ये सभी जानते थे, मगर फिर भी वहां मौजूद किसी नेता ने उन्हें नहीं रोका और आजम खान शब्दबाण छोड़ते चले गए। लेकिन जब मामले पर विवाद बढ़ा तो अब आजम खान सफाई दे रहे हैं कि उन्होंने किसी का नाम लिया ही नहीं, और अगर ये साबित होता है तो वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। अब आजम खान कुछ भी कहें, मगर उनके इस बयान को चुनाव आयोग ने जरूर गंभीरता से लिया है, और वीडियो की जांच के बाद पुलिस में रिपोर्ट भी दर्ज करा दी गई है। वही महिला आयोग ने भी आजम खान से जवाब मांगा है। आजम खान पर जहां चुनाव आयोग और महिला आयोग ने सख्ती दिखाई है, तो वहीं जयाप्रदा ने भी हमला बोला है। जयाप्रदा ने कहा कि आजम खान ने राजनीति के स्तर को काफी नीचे गिरा दिया। उन्होंने पूछा कि क्या वो महिलाओं को ऐसे ही देखते हैं। इतना ही नहीं, जयाप्रदा ने तो आजम खान के चुनाव लड़ने पर भी रोक लगाने की मांग की है। अब इस पर चुनाव आयोग क्या फैसला लेता है, यह देखना दिलचस्प होगा। डीवी लाइव के लिए रामपुर से बाबर खान की रिपोर्ट।